हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार। मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइंस क्लासेस पर। ठीक है, तो ये सेवेंथ क्लास का क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, क्या बोल रहा है? लिपका रीड्स अ बुक फॉर इतना आवर एवरी डे। क्या कर रही है लिपका? जो हर दिन इतना आवर पढ़ रही है बुक को। ठीक है ना, इतना आवर। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है She reads the entire book in 6 days. और वो पूरा बुक पढ़ जाती है कितने दिन में? 6 days में। तो बोला how many hour in all were required to read the book? तो बोला total उसको कितना hour लगा पूरा बुक को पढ़ने में। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले given में क्या दिया है कि number of hour taken by Lipika, to read, a book every day, to read number of hours taken by the Lipika to read a book every day, कितना देती है नंबर? कितना आवर देती है वो हर एक दिन बताओ? ये देती है 4 1 4 + 3 7 by 4। इसको क्या कर ले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले। इतना आवर हो हर दिन क्या देती है? पढ़ने के लिए देती है। राइट, ये पहला लाइन का मतलब है। आगे क्या बोल रहा है? यही है नंबर ऑफ आवर कितना देती है? 7 by 4 आवर देती है हर दिन पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेज, क्योंकि वो 6 days में क्या कर लेती है? कंप्लीट कर लेती है बुक को। ठीक है, तो क्या मैं इसी बात को लिख सकता हूं? नंबर ऑफ डेज टेकन टू नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द बुक बाय लिपिका। कितना डेज लगता है उसको कंप्लीट करने में? 6 days। क्या जी? 6 days लगता है उसको क्या जी? पूरा बुक को क्या कर लेती है? 6 days में कंप्लीट कर लेती है। अब ध्यान से यहां से देखो और मेरे को तुम लोग आंसर बताओ कि एक दिन में वो 7 by 4 hour दे रही है। ठीक है, राइट, एक दिन में वो 7 by 4 hour दे रही है। ठीक है, हर दिन 7 by 4 hour वो पढ़ रही है, राइट, और वो 6 days में क्या कर रही है? पूरे बुक को कंप्लीट कर ले रही है। तो पूछ रहा है तुम्हारा, बताओ नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बुक बाय हर। तो उसके द्वारा बोलो कितना आवर लगेगा कि टोटल बुक का कंप्लीट करना। तो हमको पता है सर वो 6 days में क्या कर रही है? कंप्लीट कर दे रही है। सिंपल सी है, देखो यहाँ 1 day में वो इतना आवर पढ़ रही है, राइट, तो 6 day में कितना पढ़ेगी, ज्यादा या कम? ऑफ कोर्स सर ज्यादा पढ़ेगी, क्योंकि 1 day में अगर इतना पढ़ रही, इतना आवर दे रही है उसको, तो 6 day में ज्यादा आवर देगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 day में 7 by 4 hour, इसलिए नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बुक, क्योंकि वो 6 days में कंप्लीट कर ले रही है। ठीक है, तो अगर 6 days में कंप्लीट कर ले तो सिंपल सी लिखेंगे कितना आवर हो जाएगा बोलो? 1 day में कर रही है 7 by 4, तो 6 days में कितना हो जाएगा? 7 by 4 × 6, यस या नो? क्योंकि 1 day में, ध्यान से देखो, 1 day में इतना आवर दे रही है, तो 6 days में कितना होगा? 7 by 4 × 6, इतना आवर वो क्या करेगी? पढ़ेगी, तो बुक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 2 और ये 3, 7 × 3 = 21/2। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा? 10 20 और यहाँ 1, इट मींस क्या होगा? 10 1/2, यानी तुम्हारा नंबर ऑफ आवर कितना आ गया? 10 1/2, यस या नो? यस, 10 1/2 नंबर ऑफ आवर आ गया, यानी इतना आवर उसको लगता है कंप्लीट करने में बुक को, राइट right? तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? 10 1/2 hours in all were required to
रीड द बुक को सो कंप्लीट करने में कितना आवर लगता है, इतना आवर लगता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर तुमको और किसी तरह का इस तरह का कोई डाउट है तुम्हारे मन में, या तुम्हारे कोई फ्रेंड का डाउट है तो उसको भी बताओ कि क्या करना है, उसको उस डाउट का स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे भेज देना, मैं उसका वीडियो के फॉर्म में तुमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।